हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है महाशिवरात्रि और इस महाशिवरात्रि के अवसर पर मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्योर वेजिटेरियन रेसिपी लेकर आई हूं। ये है हमारे हरे भरे कबाब। ये नॉर्थ इंडियन रेसिपी है और आज इसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करूँगी और वीडियो को शुरू कर लूँगी दोस्तों। वैसे तो ये रेसिपी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और आप इसे व्रत के दिनों में भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है दोस्तों, तो मेरे चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम एक पैन चढ़ा लेंगे, गैस ऑन कर लीजिए और इसे गर्म होने दीजिए। तो इसमें मैं डालूंगी आधा कप बेसन रोस्ट करने के लिए। तो इसे डाल के आपको आँच को कम कर लेना है और इसे धीरे धीरे करके बेसन को रोस्ट करना है। आँच को कम करके रखिए और धीरे धीरे इसे चलाते रहिए ताकि इसका कच्चापन जो है बेसन का वो अच्छी तरह से चला जाए। तो इसे हम इस्तेमाल करेंगे कबाब को बाइंड करने के लिए, तो इसलिए हमने इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। तो ज़्यादा मत जलाइए और इसे एक प्लेट में निकाल के रख लीजिए। तो कबाब बनाएंगे हम तीन चीज़ों से। तो मैंने यहाँ पे एक कप बॉइल्ड हरी मटर लिया है। तो सर्दियों के मौसम में आपको मटर छीमी जो है वो मिल जाएगी, आप उससे मटर निकाल के इसे अच्छी तरह से पका लीजिए, उबाल लीजिए। उसके बाद चार उबले हुए आलू लेंगे, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद 100 ग्राम मैंने यहाँ पर पालक लिया है, तो ये अभी कच्चा है तो इसे सबसे पहले हम पका लेंगे। तो आप एक बर्तन ले लीजिए, उसमें गर्म पानी रख लीजिए और जो सारे पालक हैं उसमें डाल लीजिए। इससे क्या होगा, पालक थोड़ी देर के लिए इसमें डिप कीजिए इस तरह से और 20 मिनट के लिए इसे इसी तरह से रहने दीजिए ताकि आपके पालक पक जाएं अच्छी तरह से। तो देखिए पालक का कलर है वो चेंज हो गया है और इसके पानी को हम निकाल लेंगे, ड्रेन कर लेंगे इस तरह से जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद इसे हम एक चॉपिंग बोर्ड पे रख लेंगे ताकि हम इसे अच्छी तरह से मैश कर पाएँ कबाब बनाने के लिए। तो नाइफ़ से कीजिए, नाइफ से ये अच्छी तरह से मैश्ड हो जाते हैं। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप इस तरह से करिए, ये अच्छी तरह से एकदम मैश्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हमने पालक को मैश्ड कर लिया है नाइफ़ की मदद से दोस्तों, ताकि कबाब बनाते वक्त हमें ये आसान हो। इस तरह से करने के बाद हमें क्या करना है, एक बाउल में इसे डाल लेना है। तो मिक्सिंग बाउल में डाल लीजिए जिसमें हम कबाब का मिक्सचर तैयार करेंगे। उसके बाद हरी मटर को भी डाल लेंगे, तो ये उबले हुए पहले से हैं, और आलू को भी हाथों से तोड़ के डाल लेंगे। सारी चीज़ को हमने डाल लिया है और इसे अच्छी तरह से मैश करने के लिए मैशर ले लेंगे। तो मैशर की मदद से ये अच्छी तरह से पूरी तरह से सारे मिक्सचर मैश्ड हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से इसे एकदम महीन से आप इस तरह से पिसा हुआ कर लीजिए। तो देखिए हमने मैश्ड कर लिया है। दो चॉप्ड किया हुआ हरी मिर्च डालेंगे, एक बड़ी चम्मच हम घिसा हुआ अदरक डालेंगे, एक तिहाई छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, हाफ छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, हाफ छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल लीजिए और एक छोटी चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे और नमक डाल लीजिए स्वाद के अनुसार। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो थोड़ा सा आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद रोस्टेड किया हुआ जो हमने बेसन रखा था उसे हम डालेंगे थोड़ा सा, और हाथों की मदद से या फिर स्पून की मदद से आप इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए ताकि सारे चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो बाकी जो बेसन था उसे भी डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब टिक्कियाँ बनाते हैं यानी कबाब बनाते हैं। तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाइए और इसे अच्छी तरह से पहले गोल करेंगे, उसके बाद इसे फ्लैट करके कबाब बना लेंगे। दूसरा भी मैं आपको करके बता रही हूँ, आप उसी तरह से इसे बनाइएगा। पहले गोल करेंगे उसके बाद इसे फ्लैट कर लेंगे हाथों की मदद से। तो इस तरह से मैंने 5 कबाब को तैयार किया है, ये अच्छी तरह से मैश्ड किया हुआ था। उसके बाद इसमें हम काजू को तोड़ के इसमें थोड़े से प्रेस करके डाल लेंगे। तो काजू डालिए, काजू डालने से ये और भी अच्छा लगेगा आपको। तो आप डायरेक्टली पूरे काजू भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे और इसे थोड़े से आप पिंच करके प्रेस कर लीजिए। तो देखिए
तो चलिए अब पैन को हम चढ़ाएंगे। इसे गर्म करिए अच्छी तरह से और इसमें हम 1 से 2 बड़ी चम्मच रिफाइंड तेल डाल लिया है जिसमें हम कबाब को रोस्ट करेंगे। तो गर्म होने दीजिए अच्छी तरह से और इसे स्प्रेड कर लीजिए और इसमें हम एक एक करके सारे कबाब को डाल लेंगे सेंकने के लिए दोस्तों। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है। 1 मिनट हो जाने के बाद इसे पलट लीजिए अच्छी तरह से। तो इसी तरह से आपको सारे कबाब को अच्छी तरह से पलट लेना है और आंच को आपको लो टू मीडियम में रख के इसे सेकना है ताकि ये क्रिस्पी और टेस्टी लगने लगे। तो दोनों साइड से इसे पका लीजिए अच्छी तरह से। तो देखिए दोस्तों हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। तो इसे हम प्लेट में फटाफट गर्मा गर्म निकाल लेंगे और गर्मा गर्म इसे परोस लेंगे। तो ये रहे हमारे एकदम हरे भरे कबाब। तो इसका नाम हमने हरे भरे कबाब इसलिए रखा है क्योंकि इसे हमने ग्रीन मटर और पालक से बनाया है जो कि दोनों ही हरे होते हैं। तो और थोड़े से आलू भी मिला लिया है। तो ये रेसिपी पूरी तरह से वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें ना तो लहसुन है ना तो प्याज है। तो आप इसे व्रत के दिनों में बना सकते हैं और खा सकते हैं और आज शिवरात्रि है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों।